हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरमीत किचन में। आज मैं आपके साथ मेथी की रोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा थाल लिया है, उसके बीच मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जिस कटोरी से हमने आटा नापा है उसी कटोरी से 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी हम मेथी की लेंगे। मेथी हमने धोकर कटिंग कर ली थी। अब हम इसके बीच अदरक ऐड करेंगे। अदरक मैंने 1 इंच लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया था। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम इसके बीच मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे 1 चम्मच की हेल्प से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको गेहूं के आटा जैसे गूंदते हैं सिंपल रोटी बनाने के लिए, वैसे ही हम इसका आटा गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसके आटे को मसलकर अच्छे से गूंद लेंगे। ऐसे मसलते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से गूंदकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। मेथी की रोटी का नाश्ता बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छी और हेल्दी होती है। सुबह का जल्दी बनने वाला नाश्ता आपको इसके लिए अलग से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटे के बीच ही आप सभी मसाले डालकर और मेथी डालकर इसको गूंदकर रोटी बना सकते हो। चलिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। मेथी की रोटी बनाने के लिए हमने इसके लिए जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं घर पर, वैसे ही हमने इसके लिए लोई ली थी और उसकी रोटी बनानी शुरू की। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जे मेथी की रोटी बनाने के लिए आप चावल का आटा और मक्की का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और दोनों साइडों से पलटते हुए रोटी को दोनों साइडों से पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप हरी मेथी को सुखाकर इसको कस्तूरी मेथी बनाकर आप अपने सब्जियों में यूज कर सकते हैं। हरी मेथी खानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको आप सर्दियों में ज़रूर खाएं। रोटी को दोनों साइडों से पलटते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम अपनी सभी रोटी बनाकर रेडी करेंगे।
मेथी की रोटी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी मेथी की ली थी। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आटा और मेथी ले सकते हैं। मेथी हमने आटे से आधी ली थी। 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी मेथी ली है। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेम वे से हमारी सभी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। मेथी की रोटी दही और नींबू के अचार के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।